जननायक जनता पार्टी ने आज गोहाना की नई सब्जी मंडी में बड़ौदा गोहाना हलके की हरी चुनरी चौपाल का आयोजन किया। चौपाल में कुलदीप मलिक, जसमेर स्वामी, सरोज बेनीवाल, अशोक मौर, नरेंद्र गहलावत, राजपाल भटगांव, निर्मला लाठर, संतोष बांगड़, सुमिता राणा, पदम सिंह दहिया, प्रधान महासचिव कृष्ण चंद्र बांगड़ ने संबोधित किया व सभी ने भारी संख्या में पहुंची महिलाओं का धन्यवाद किया। मुख्य वक्ता के रूप में पहुंची डबवाली हलके की विधायक नैना चौटाला ने बोलते हुए भारी संख्या में पहुंची महिलाओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि आज तो तुमने कति तोड़ पाड़ दिया। उन्होंने मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना पर हमला बोलते हुए कहा कि महिलाओं को सिलेंडर तो दिया लेकिन गरीब महिलाएं उन्हें भरवाने के लिए पैसा कहां से लाए, उन्होंने महिलाओं को और परेशानी में डाल दिया। भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित और परेशान हैं। उन्होंने सभी महिलाओं से आह्वान किया कि जेजेपी का कोई भी उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में उतरे उसे भारी मत से जिताए। बहुत ही खुश हूँ आज का प्रोग्राम देख के। तभी मैंने कहा था वो यहाँ बोलते ना तोड़ पाड़ दिया, आज तो महिलाओं ने तोड़ पाड़ दिया। मैम क्या लगता है कि तोड़ पाड़ने में सोनीपत जो आप महिला को सीट भी दे सकते हैं यहाँ सोनीपत से, किसी के एमपी कमेटी तय करेगी। मेरे हाथ में टिकट देना बिल्कुल नहीं है, वो जो कमेटी देगी उन्हीं को टिकट्स मिलेगी। मेरे से ऊपर बहुत है टिकट्स बांटने में, उन्हीं को पता है। मैडम पार्टी से गठबंधन की बात चली हुई थी, कैसे गठबंधन हो सकता है? बहुत पुरानी बात होगी, उनको बार बार क्या गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। आप ही पार्टी चाह रही हूँ कि 10 में से 3 सीटें महिलाओं को मिले, बाकी कमेटी तय करेगी कितना मिलेगा।